रात होने वाली है, जल्दी चलो। बाजीराव, मैं तुझे कब से फोन कर रही थी, तू फोन नहीं उठा रहा था। वो भाभी यहाँ आई है, उसने हमें सब कुछ बता दिया। तो पता कि दत्ता भाव कहाँ है और कैसा है? अरे आप मेरी बात तो सुनो, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। भाव है, जिंदा है, यहाँ जंगल में ही है। हमें भाव और नकु के पैरों के निशान मिले हैं, हम बस उसी का पीछा कर रहे हैं। मेरे पास हमारे सारे आदमी हैं, हम कैसे भी शाम तक भाव तक पहुंचकर उन्हें घर वापस ले आएंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ठीक है बाजी। हो साहब, दत्ता भाव बिल्कुल ठीक है। और बाजी ने यह भी कहा है कि शायद तेरी बेटी भी जिंदा है।
दत्ता का बीबी। ए पुट्टी, कहाँ है रे तेरा खत्म? मैं मेरे को नहीं मानू, जब मैं होश में आई तो मैं अकेली थी, मैंने सांप को नहीं देखा। ए शाना नहीं बनने का, तू पकड़ में आ गई है तो भी पकड़ में आ जाएगा। दत्ता जैसे मछली के सामने मैं तेरे को चारा बना के डालेगा, फिर देख तेरा पति कैसे भागते हुए आता है इधर। चल बुला मछली को। मैं सच कह रही हूँ, मैंने सांप को नहीं देखा उसके बाद, वो इधर नहीं नहीं। तू आता है बाहर या निकालू इसका खोपड़ी से भेजा बाहर। मेरे तो मालूम तो इधर किधर है, तो बाहर आता है क्या? मारू इसको गोले, मैं तीन तक गिनेगा। तू बाहर नहीं आया तो इसका खोपड़े बाहर। केशव, ए केशव, पकड़ साले को, छोड़ना नहीं इसको।
जा, उधर जा, तू इस तरफ, उधर देख, उधर जा। Hey!